नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजनों ने उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है कि उसने मृतक को ड्रग्स दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है और यहाँ जो खबर निकल कर आ रही है सामने, उसमें एक युवक जो कि मृत हो गया है, उसके परिजनों ने उसके ही दोस्तों पर आरोप लगाया है कि उसके पुत्र को ड्रग्स देकर मारा गया है, उसको ड्रग्स दिया गया है। ड्रग्स की लत यूं तो छोटे शहरों में भी युवाओं को अब बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो रही है। इसकी वानगी मध्य प्रदेश के दमोह में देखने को मिली, जब 21 सितंबर की रात्रि में एक युवक जो कि जिसकी उम्र 22 वर्ष बतलाई जाती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि उसके पुत्र को, उसके लड़के को ड्रग्स दिया गया है उसके ही दोस्तों के द्वारा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस विस्तृत समाचार में, इस विस्तृत खबर में। बेटे क्या हो गया? अनिकेश मिश्रा हमारे बेटे को ले गया था और उसके बाद हमने 10:30 बजे फ़ोन लगाया तो बोला मोहित मेरे साथ हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे फ़ोन लगाया तो उसने मेरी बात नहीं करवाई। उसके बाद उसने इंजेक्शन दिया, क्या किया उसके साथ, फिर क्या हुआ? फिर बड़े वाले बेटे के लिए फ़ोन आया, इसके बाद हमको पता नहीं है। अनिकेत मिश्रा ने बड़े वाले बने इसके। ये अनिक कौन है, कहाँ रहता है? अनिकेत मिश्रा खजी मोहल्ला में रहता है, वो ड्रग्स का व्यापार करता है, नए लड़कों की मेरा बेटा कभी नशा भी नहीं करता और उसके साथ 2-4 लड़के और हैं, जैसे कोई हनी मसीद करके है, एक राहुल झा है और कोई छुट्टू बनिया है। ये लोग अनिकेत मिश्रा को ड्रग्स ला कर देते हैं और जे नए नए बच्चों के लिए देता है। आपका बेटा आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं खजी मोहल्ला है। बेटा क्या नाम है, कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। क्या नाम है? मोहित सैनी। अभी कहाँ है वो? एक्सपायर हो गया ना 21 तारीख को। और ये मानसरोवर ढाबा पर अनिकेत मिश्रा उस दिन रात में लुआ गया था, वहाँ भी सरेंजे भी डली हैं, वो इंजेक्शन भी डले हैं। ये कहाँ है मानसरोवर ढाबा? ये अपने बांसा के आगे। तो आपको अभी कैसे पता चला ये सब? अब जो वो अपन आज जब ढाबा पहुँचे, जब अपन को पता लगी पूरी स्थिति, सीसीटीवी में भी मतलब वो है वहाँ पूरा, मतलब जहाँ इन लोगों ने वो इंजेक्शन नहीं किए थे उसको लगाए हैं, तो सब वहीं पर डला है अभी सामान। मध्य प्रदेश के दमोह के किल्लाई नाके के पास रहने वाले 22 साल के एक युवक मोहित चैनी की 21 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इस मौत के पश्चात उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि मोहित के दोस्तों ने ही उसको ड्रग्स दिया है। बीती रात परिजनों ने रात में कोतवाली पहुंचकर मोहित के दोस्त अनिकेत मिश्रा और उसके साथियों पर ड्रग्स देने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह सब उसके पुत्र को लेकर यहाँ जो दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मानसरोवर ढाबा, वहाँ लेकर गए थे और वहाँ पर उसकी हालत जब बिगड़ी तब उन्होंने वहाँ से उसको छोड़ दिया।